उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और सपा आमने सामने हैं, तो वहीं मायावती इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों पर प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दिया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस मामले का जिक्र कर सभी राजनीतिक दलों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस या मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। साथ ही लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करते मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। उन्होंने कहा कि वैसे भी यह जग जाहिर है कि देश में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं। बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जोड़ तोड़ करके गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की कमान संभाल ली। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। दोनों का गठबंधन टूट गया। बसपा के समर्थन वापसी से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। मायावती के समर्थन वापसी के बाद जब मुलायम सरकार पर संकट के बादल आए तो सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो सपा के नाराज कार्यकर्ता व विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती ठहरी हुई थी। उस दिन गेस्ट हाउस के कमरे में बंद बसपा सुप्रीमो के साथ कुछ गुंडों ने बदसलूकी की। इसी घटना को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है।